हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का क्रिएटिव अरुण 007 चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऑफलाइन पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप काम करते हुए एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और ये कैरियर भी बहुत ही शॉर्ट टाइम का है, ओनली 7 ईयर्स का। तो दोस्तों, इस कैरियर में काम करने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ों को जानना पड़ेगा, बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी क्या करती है, कैसे उस काम को हम कर सकते हैं, उस कैरियर को लेने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं इस वीडियो को सीरीज के रूप में बनाऊंगा, ताकि 15-15 20-20 मिनट का एक वीडियो होगा, और आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसकी डीपली नॉलेज ले सकते हैं, इस कैरियर के बारे में टोटल जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस काम को कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पे, और उस कैरियर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैरियर ओनली 7 ईयर्स का है, तो हुआ ना शॉर्ट टाइम। तो दोस्तों, 7 ईयर्स के कैरियर 7 ईयर्स के इस कैरियर में आप बहुत सारा अचीवमेंट ले सकते हैं, जैसे कमीशन, सैलरी, डेवलपमेंट, रिटायरमेंट के रूप में 14 लाख 7 साल में ही, जो गोल्डन हैंडशेक के रूप में दिया जाता है। उसके साथ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बहुत सारा गिफ्ट आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैरियर को जानने के लिए, इस कैरियर में आने के लिए आपको 4 चीज़ों को जानना पड़ेगा, जिसे कंपनी ने 4 P के रूप में बोला है। 4 P यानी फर्स्ट P प्रोजेक्ट, कंपनी के बारे में टोटली जानकारी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी क्या सेल करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा P प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट में पब्लिक के लिए क्या क्या फ़ायदा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा, उसका क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तीसरा P जो होता है वो होता है प्लानिंग, सॉरी, तीसरा जो P होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी इस कंपनी में काम करते हुए हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा और पब्लिक को इसमें क्या प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, मेरा क्या प्रॉफिट होगा, इसके बारे में तीसरा P में जानकारी दिया जाएगा। चौथा जो P है वो है प्लान, यानी कंपनी का प्लान क्या है, किस प्लान के तहत कंपनी काम कर रही है, किस प्लान के तहत हम उस काम को कर सकते हैं, कैसे कंपनी में हम जुड़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ये प्लान आपका चौथा P में मिलेगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। फर्स्ट P प्रोजेक्ट, कंपनी क्या है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मल्टी सर्विसेज लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GTFS मल्टी सर्विसेज लिमिटेड बोलते हैं। कंपनी का नाम है GTFS मल्टी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी ने 7 ईयर्स का एक करियर बनाया हुआ है, ओनली 7 साल का। 7 साल के करियर में कंपनी आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाली है। ये कंपनी 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1995 में। दोस्तों, ये आज कंपनी 23वें साल रनिंग कर रही है। और यह जो कंपनी है दोस्तों, एशिया का नंबर 1 कारपोरेट एजेंट है, IRDA का। तो आप समझ गए होंगे कि इस ये कंपनी क्या करती है। कॉर्पोरेट एजेंट मतलब ये इंश्योरेंस का काम करती है, ये कंपनी GTFS मल्टी सर्विसेज लिमिटेड, एशिया का नंबर 1 कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ IRDA। और 23 साल से ये कंपनी चलती आ रही है, कंपनी पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है कि कंपनी कभी डाउन में चली हो, बहुत सारे जगह पे काम करने वाले लोगों ने गलत तरीके से काम किया हो और सक्सेस नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कंपनी अभी जहाँ है वहीं है,
सक्सेस होना और ना होना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कंपनी में सक्सेस है तो सक्सेस है, अगर अनसक्सेस है तो हम कंपनी पर उंगली उठाएंगे या सीनियर को दोष देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो काम कर रहा है, जो सफलता हासिल किया है इस कंपनी में, वो आज ऊंचाइयों पर है। तो दोस्तों, कंपनी एक कारपोरेट एजेंट है और ये IRDA द्वारा जारी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों का प्रोडक्ट सेल करती है। यानी इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है इंश्योरेंस, जो आज मार्केट में हर आदमी की जरूरत है। आज इंश्योरेंस का फील्ड बहुत ही खाली है, बहुत ही वैकेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी इंश्योर पर्सन बहुत ही कम है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो देखेंगे कि 10 से 11% लोग ही हमारे इंडिया में इंश्योर्ड हो पाए हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में हर आदमी को चाहिए और पूरा फील्ड खाली है, जहाँ पे आप चाहे तो पार्ट टाइम में करियर बना सकते हैं। और इस कंपनी के द्वारा करने से आपको बहुत सारा अचीवमेंट मिलेगा। एक्चुअली फील्ड में जो होता है वो दो टाइप का एजेंट होता है, एक इंडिविजुअल एजेंट जो आप लोग देखते होंगे कि LIC का काम करता होगा कोई भी, कोई रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है, कोई SBI लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है, कोई भारतीय एक्साई लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल एजेंट है जो एक ही कंपनी का IRDA द्वारा लाइसेंस लेकर काम करते हैं, और वे एग्जामिनेशन के द्वारा पास करते हैं और इंडिविजुअल रूप से किसी भी एक कंपनी का इंश्योरेंस सेल करते हैं, और वहाँ भी वे कैरियर बनाते हैं। लेकिन वहाँ प्रतिस्पर्धा थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन कारपोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है, सीनियर लोगों का हेल्प मिलता है, ऑन फील्ड आपको ट्रेनिंग मिलता है, तो यहाँ सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, GTFS एक कारपोरेट एजेंट है जो ग्रुप एजेंसी के रूप में काम करती है। यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम में काम होता है, जहाँ आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे सीनियर होते हैं, और यहाँ पे आप आसानी से करियर को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फर्स्ट पी का चर्चा कर रहे थे, प्रोजेक्ट। तो कंपनी 1995 में एस्टेब्लिश हुई, 1995 से अभी तक रनिंग कर रही है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसमें 70 से 80 लाख लोग कैरियर बना रहे हैं। कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है और कंपनी ऑलरेडी लिमिटेड है। दोस्तों, GTFS के द्वारा हम 7 से 8 इंश्योरेंस कंपनियों का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं फील्ड में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिमांड होता है। कोई अलग अलग कंपनी का इंश्योरेंस चाहता है, कोई LIC का चाहता है, तो कोई रिलायंस का चाहता है, कोई बजाज एलियांज का चाहता है, तो कोई SBI का चाहता है, कोई भारतीय एक्सा का चाहता है, तो कोई एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस चाहता है। तो दोस्तों, ये सारी कंपनी इस GTFS के थ्रू हमें प्रोवाइड होती है, जिसको लेकर हम आसानी से अपने करियर को बना सकते हैं और फील्ड में पब्लिक के डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, GTFS के थ्रू हमारे पास जो 7-8 इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट, LICI भारतीय जीवन बीमा निगम का भी हम इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। दूसरा, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। चौथा, SBI लाइफ इंश्योरेंस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, एगॉन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस। इस तरह से और भी सारे कंपनी, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी कंपनियों का प्रोडक्ट हम मार्केट में दे सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह वगैरह हम लोगों को दे सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम अपना करियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला पी, प्रोजेक्ट, यानी कंपनी
1995 में एस्टेब्लिश हुई, 23 साल से कंपनी रनिंग कर रही है। कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनके पास जितने भी प्रोडक्ट है IRDA द्वारा अप्रूवल, इंश्योरेंस कंपनियों का प्रोडक्ट, जो टॉप मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसका प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करेंगे। दूसरा तीसरा चीज ये कि कंपनी लिमिटेड है, यानी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं, हमें कोई डर है नहीं है। और आज के डेट में तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सभी नॉन बैंक कंपनियों को सरकार ने बंद कर चुकी है। तो अभी नॉन बैंकिंग का कोई या चिटफंड कंपनी अभी फील्ड में नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो हम आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारे लोगों को अभी जॉब दे चुकी है, 70 से 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ने करियर को अचीव कर चुका है, 7 साल का रिटायरमेंट 14 लाख ले चुका है, डेवलपमेंट बहुत सारे लोग ले रहे हैं, कमीशन सैलरी तो सभी को मिलता ही है। तो दोस्तों ये 7 साल का जो शॉर्ट करियर है, इसको लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो वहाँ पे संपर्क करके आप इस करियर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा पी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे हम बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों का प्रोडक्ट सेल करते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं। तो इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में कैसे चलेगा, लोगों को इंश्योरेंस क्यों चाहिए, इंश्योरेंस में हम कैरियर कैसे आसानी से बना सकते हैं, इंश्योरेंस का फील्ड में हम कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कैसे लोगों को इंश्योरेंस के बारे में जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरा पी के बारे में, तीसरा पी के बारे में और चौथा पी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस कैरियर के विषय में जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, वो इस वीडियो से आप ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।